गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का दिन माना जाता है और इसको भगवान बृहस्पति का दिन भी मानते हैं। गुरुवार के दिन का व्रत करना अति उत्तम माना गया है, सौभाग्य वर्धक इस व्रत को माना जाता है, क्योंकि जीवन में जो दुर्भाग्य है वो यदि आप समाप्त करना चाहते हो तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए या फिर गुरुवार की इस दिव्य कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होगा तब हमारे जीवन का भाग्योदय होगा और भाग्योदय होगा तो हम उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, हमें धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हो, पद प्रतिष्ठा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, यश चाहते हो, या फिर विवाह कार्य में पति पत्नी की प्राप्ति चाहते हो, या फिर आप किसी भी प्रकार के उच्च पद के अभिलाषी हो, या आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। और गुरुवार का व्रत किसी भी गुरुवार से आप आरंभ कर सकते हैं। 7 गुरुवार तक लगातार गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके जल में थोड़ी सी हल्दी या फिर केसर डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि संपूर्ण पीले वस्त्र आप धारण नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक कपड़ा पीला पहन ले या फिर एक पीले रंग का रुमाल भी अपने साथ आप रख सकते हैं। अपने मस्तक पर हल्दी का या चंदन का या फिर केसर का पीला तिलक लगाना चाहिए तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या बृहस्पति देव के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए कि आज मैं बृहस्पतिवार का व्रत करूंगा या फिर करूंगी, और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में इस व्रत का जो है पालन करूंगा या करूंगी। इस प्रकार आप भगवान के सामने शपथ ग्रहण करें यानी संकल्प लें और उसके बाद पूरे दिन व्रत का पालन करें। ध्यान रखें कि इस दिन आपको पीले फल, पीले फूल इत्यादि का ही पूजा में उपयोग करना चाहिए। तो सुबह पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन और भगवान गुरुदेव बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। इनको हल्दी या फिर पीला चंदन या केसर का तिलक लगा करके पीले फूल चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं और पीले फल, पीली मिठाई और चने की दाल चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ केले के पेड़ का भी इस दिन पूजन करना चाहिए। केले के पेड़ में आप सबसे पहले जो है हल्दी वाला जल चढ़ाएं और उसके बाद थोड़ा सा पीला चंदन या केसर का या हल्दी का तिलक जो है केसर के साथ मिला करके केले के पेड़ को लगाना चाहिए। पीले चावल चढ़ा करके वहाँ पर जो है गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं हो तो शुद्ध घी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस घी से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद पूजन पाठ संपन्न करें और ध्यान रखें कि इस दिन केले का फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो भी व्रत करता है गुरुवार का उनको केले का फल का उपयोग खाने में नहीं करना चाहिए, पूजन पाठ में करना चाहिए। और जो भी वस्तुएं चढ़ाई जाती है उनको दान करना चाहिए यानी घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा जो भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं गुरुवार का, उनको गुरुवार की कथा भी सुनना चाहिए। यदि गुरुवार की कथा श्रवण नहीं करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इस दिन सिर्फ एक बार बिना नमक का पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। चने की दाल का प्रयोग इसमें उत्तम माना जाता है। बृहस्पतिवार की कथा सुबह भी सुनना चाहिए तथा शाम के समय भी यदि समय हो तो सुनना चाहिए। और इस व्रत को करने से गुरु ग्रह से संबंधित सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अपने बड़े लोगों की कृपा बनी रहती है। इस दिन कपड़े धोना या फिर दाढ़ी बनवाना या फिर बाल कटवाना या शेविंग कटिंग करवाना वर्जित माना जाता है, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा। यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी इस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी साधु संन्यासी, बड़े बुजुर्ग, दीन दुखी लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न ही उनकी उपेक्षा करना चाहिए, उनकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहिए। साथ ही ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे गुरु ग्रह बृहस्पति का कोप का भाजन आपको नहीं बनना पड़े यानी बृहस्पति आपसे प्रसन्न रहे।
गुरुवार का यदि आप व्रत करते हैं तो उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, साथ ही दया का भाव मन में रखना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम और सद्भावना का जो है स्वभाव अपने को रखना होगा। इस व्रत के विषय में बताया है कि बृहस्पति की उपासना ज्ञान सौभाग्य व सुख देने वाली मानी गई है। दरअसल गुरु ज्ञान व विद्या के रास्ते तन मन व भौतिक सुखों को मुक्त करके जीवन को जो है आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी भौतिक जितने भी दुख होते हैं उन सब का निवारण बृहस्पति देव करते हैं, जिस पर चल रहा कोई भी इंसान मन चाहे सुखों को प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म में शास्त्रों में कामना विशेष को पूरा करने के लिए इस व्रत को बताया है। इस व्रत को करने से सौभाग्य व मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा दान पुण्य करना चाहिए। हर दरिद्रता व संकट टालने के लिए, संपन्नता बनाए रखने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। अब हम आपको बृहस्पतिवार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसके पश्चात हम आपको बृहस्पति देव की आरती भी सुनाएंगे, तो आप ध्यान पूर्वक आरती भी सुनिएगा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार किसी भी गुरुवार से गुरुवार का व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार या 21 गुरुवार तक इस व्रत को करने से हर पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा करके दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोल करके मन से पूरी श्रद्धा के साथ में दान पुण्य भी करता था। उसी प्रकार जो है उसकी आदत हो गई थी दान धर्म करने की, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से आकर के भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, क्योंकि बाबा मैं यह अपने धन को दान पुण्य में लुटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, विद्यालय का निर्माण करवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने का यानी कटिंग करवाने का कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यापारी की कंजूस पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक को सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर के बस गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन दे करके जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी पूर्व की दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? तब वह व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं
इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना करके जोर जोर से बृहस्पति देव के सामने रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा सारा धन संपत्ति सर्वस्व नष्ट हो गया है और तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। दो पैसे के चने और गुड़ को लेकर के जल के लोटे में शक्कर डाल करके वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत ले लो, भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर के व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही ला करके दे दूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे अपने पुत्री के लिए उसने दही ला करके दे दिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर के कथा की और प्रसाद बांट करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को यह कथा करना वह भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन करवाया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः दोनों को राजा ने महल में ले जाकर के भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका जो हार खूंटी पर टंगा हुआ था वह अचानक गायब हो गया। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, ऐसा विचार आने लगा। राजा की आज्ञा से उस व्यापारी की बेटी को और उस व्यापारी दोनों को जो है कैद कर दिया गया, कारावास में बंद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर उस व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मनुक्का मंगवा करके विधि पूर्वक बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें दो पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, व्यापारी ने उसे बुला करके गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वहां से वो चली गई। थोड़ी देर के बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुला करके कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे दो पैसे के गुड़ और चना ला करके दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेकर आऊंगी। वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर लेने आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर के अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य करते हुए कहते हुए शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखने ले दो। अपने पुत्र का मुख देख करके उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उसका मरा हुआ लड़का पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधु के लिए गहने लेकर लौटी, तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठ करके निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिर करके मर गया। यह देख करके स्त्री जोर जोर से रोने लगी और बृहस्पति भगवान से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंच कर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण ही हुआ है, तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांग करके कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी,
जेल में जाकर के उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा प्रार्थना की, माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका मरा हुआ पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और ससम्मान वहां से विदा कर दिया। उन्हें आधा राज्य देकर के उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा करके दहेज में हीरे जवाहरात सब कुछ उसे प्रदान किए। यानी भगवान बृहस्पति देव की कृपा उसके ऊपर छप्पड़ फार कर हो गई और उसके जीवन में एक नया उजाला आ गया। इस प्रकार बहुत समय तक उस व्यापारी ने सुख भोगा और अंत समय में भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते समय और आयु पूर्ण होने पर उसका जो है स्वर्गवास हो गया और भगवान के परम धाम को वह प्राप्त हो गया। भगवान बृहस्पति देव की इस कथा को जो कोई भी सुनता है सुनाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके जीवन के प्रत्येक संकट जो है कट जाते हैं और उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति देव भगवान की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथदायक, सकल मनोरथदायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब कर हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटावो, विषय विकार मिटावो, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।